गाइस, वेलकम माय न्यू व्लॉग। अभी बजे सुबह के आज अभी मैं पहुंचा हूँ राधिको ग्री। तो मैं जाने वाला हूँ आज सुरकंडा माता मंदिर। अभी सीजन नवरात्रों का भी चल रहा है तो काफ़ी अच्छा रहेगा वहाँ जाना। तो काफ़ी टाइम से प्लान था जाने का, फाइनली आज निकल पड़े हम माता जी के दर्शन के लिए। अभी अंधेरा इतना है कि थोड़ी विजिबिलिटी कम है और अभी जाना आगे ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पे रेस्ट कर रहा हूँ, फिर करते हैं अपनी राइड शुरू। तो अभी बजे सुबह का 6, अहमदनगर यहाँ से ऑलमोस्ट 4 से 5 किलोमीटर रह गया और अभी तक मैंने साइकिलिंग जो कर ली है वो अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 किलोमीटर कर लिया और अभी थोड़ा यहाँ पे ब्रेक लिया है। सुबह सुबह ऐसी जगह पे अगर हमारी मॉर्निंग हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है। अभी मुझे जाना है उस हाइट पे, टांगों को मजबूत कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि अभी तक मैं खुद अपील कर रहा था एंड यहाँ से भी अभी पूरा टोटल अपील होने वाला है, तो थोड़ा यहाँ पे पानी वानी पी के फिर निकलते हैं। और कुछ मैं फ्रूट्स वगैरह लाया हूँ तो उसे खा लेता हूँ क्योंकि थोड़ी भूख सी भी लग गई है, काफ़ी कैलरीज मेरी बर्न हो गई। तो इट टाइम टू टेक सम रेस्ट। तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ माता कुंजमपुरी मंदिर के पास एंड अगर मुझे क्रॉस किया हुआ हो गया है अप्रॉक्सीमेटली आधे से 1 घंटा। अभी बजे सुबह के 8, अभी धूप आना स्टार्ट ही हुई है। अभी तो धूप बहुत प्यारी हो रही है बट अब देखते हैं आगे कि आगे कैसा का सफ़र रहता है। और जिस एलिवेशन से मैं आ रहा हूँ देखने में बहुत प्यारी लग रही होगी रोड, बलिष्ट होगा तो उसे ही एहसास होगा। यू कैन लुक एट द व्यू। अभी मेरी डेस्टिनेशन काफ़ी दूर है एंड मुझे यहाँ तक पता है थोड़ी मेरी जर्नी इजी हो जाएगी क्योंकि आगे थोड़ा डाउन हिल है। आप देख सकते हैं गाइस मैं किस जगह से आ रहा हूँ, आपको नीचे रोड दिख रही होगी, ये वहाँ से वो पूरा ऊपर ने दिख रही है, ये नरेंद्र नगर है। मिलते हैं हम आपको आगे। अगर राइड में धीरे धीरे चलते रहे और बीच बीच में ब्रेक लेते रहे तो राइड काफ़ी इजी हो जाती है। और हमेशा अपने साथ फ्रूट्स वगैरह ज़रूर रखें क्योंकि यह आपको बहुत हेल्प करता है। अभी तो मैंने जो डिसाइड किया है वो किया है आगरा खाल में अपना ब्रेकफास्ट करने का, जिसकी डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 किलोमीटर रह चुकी है। तब तक के लिए मैं अपने जो मैं घर से फ्रूट्स लाया था सेब वगैरह वही खा रहा हूँ, तो काफ़ी हेल्प हो रही है। ब्रेकफास्ट मेरा हो चुका है, मैं निकल चुका हूँ कद्दूखाल से चंबा की तरफ और यहाँ से 15 किलोमीटर का थोड़ा डाउन हिल होने वाला है। यहाँ से आई थिंक चंबा तक का डिस्टेंस रह गया है 32 किलोमीटर, 1.5 घंटे में वो उसे कवर कर लूँगा। तो चलते हैं आपको आगे। नहीं सकता कि मुझे डाउन हिल करने में इतना मज़ा आ रहा है, धूप निकली हुई है और बादल मतलब पूरा एकदम परफेक्ट सिनेरियो हो रखा है, पूरे नीले नीले बादल और रोड देखे एकदम मक्खन जैसी। बाइक से तेज भाग रही है। तो आगरा खाल से निकलने के बाद मैं अभी पहुंच चुका हूँ यहाँ अप्रॉक्स 10 किलोमीटर रह चुका है। थोड़ा रेस्ट लेने के लिए रुका हूँ कि काफी देर से साइकिलिंग कर रहा था, तो मिलते हैं आपको आगे। अभी यहाँ से चंबा रह चुका है 5 किलोमीटर और भाई मैं बता नहीं सकता हूँ पूरी भाई चढ़ाई, इतनी चढ़ाई मतलब जितना डाउन हिल करने में मज़ा आया था उतनी ही मेरी अपील ने ले ली है। कंटिन्यू में मुझे हो गया 2 से 3 घंटे हो गए जब से मैं अपील कर रहा हूँ। धूप इतनी तेज़ होने लग गई है अब कि इतनी दिक्कत अपील से नहीं होती जितनी धूप में साइकिल चलाने से होती है। डाउन हिल में तो ये होता है कि हवा लग जाती है, स्पीड में रहती है, बट अभी मैं इस स्ट्रेट के नीचे रुका हूँ एंड अपना ये रुमाल वगैरह धो दिया है, अभी इसे पहन के आराम से साइकिल चलाएंगे और अभी थोड़ा रेस्ट करते। घर से मैं ये एप्पल लेकर आया था, सारे खा दिए फ्रूट्स और बस आखिरी यही बचा है और ये मतलब इतना हेल्प कर रहा है, मुझे इतना हेल्प कर रहा है कि मैं बता नहीं सकता। सो फटाफट से इसे ख़त्म करते और फिर निकलते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे ये मैंने सर में कपड़ा क्यों बांध दिया, एक्चुअली धूप इतनी गंदी है ना तो मैंने इसे भिगा कर अपने सर में बांध दिया ताकि धूप कम लगे। और आप देख भी रहे होंगे मैं रॉन्ग साइड चल रहा हूँ,
क्योंकि मेरे लेफ्ट साइड पर धूप इतनी गंदी हो रही है, इस वजह से मुझे रॉन्ग साइड जाना पड़ रहा है। फाइनली मैं कटिकाल पहुंच गया। सो फाइनली गाइस, मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका हूं। अभी मैं जा रहा हूं ऊपर माता के दर्शन करने। ट्रॉली लगी थी बट फिर मैंने सोचा उसका लेने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, सो ट्रैक करके जा रहा हूँ। वो मेरे लिए शायद ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जब मैं चौंबा पहुँचा था तो मेरी फ़ोन की बैटरी ऑलमोस्ट डेड हो चुकी थी, तो इस वजह से मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया। चंबा में पहुँच चुका था आई थिंक 11:30 बजे। फिर वहाँ से मैंने अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू रोकी बिना बीच में ब्रेक लिए, उस वजह से मैं अभी एंड तक पहुँचा हूँ। एक्चुअली क्या है ना, मुझे वापस देहरादून जाना है। सोच रहा हूँ कि कैसे अपना टाइम वगैरह बचा सकूँ। रेस्ट करने का मन तो कर रहा है बट कर नहीं सकते, हालत देख के पता ही चल रहा है। माता सुरकंडा देवी के दर्शन करने के बाद अब मैं चल दिया हूँ अपने घर की तरफ। फिलहाल तो मुझे अभी नीचे जाना है कद्दूबाग, वहाँ से अपनी साइकिल वगैरह मैं आपको नीचे फटाफट से कटते पेट पूजा और फिर निकलते अपने घर की तरफ। तो गाइस, खाना वगैरह मेरा सब हो चुका है, दिन के 3 बजे और हमें यहाँ लोकल से पता किया है तो यहाँ से अब शायद मसूरी तक मुझे पूरी ढाल मिलने वाली है, मतलब टाउन हिल होने वाला है, वो तो जाके ही पता चलेगा। देखते हैं अब मसूरी कब तक पहुँचते हैं, बाकी मिलते हैं आपको आगे। सो मैं निकल चुका हूँ अब घर की तरफ। सो धनौल्टी मैंने रूट लिया है, आई होप ये मेरे लिए राइट डिसीजन होगा। तो कोशिश मेरी ये रहेगी कि अंधेरे होने से पहले मैं अपने घर पहुँच जाऊँ, क्योंकि रात को साइकिलिंग करना ठीक नहीं है, तो वो भी इस पहाड़ों पर। तो आई होप मैं टाइम से अपने घर पहुँचूँ। तो मैं हैदराबाद 20 किलोमीटर साइकिलिंग कर चुका हूँ, मुझे लगता है यहाँ से मसूरी ज़्यादा दूर नहीं है। देखिए आप गाइस, ये पूरी डाउनहिल जा रही है, नीचे 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 नीचे। आई होप ये ऐसे ही बनी रहे। अभी थोड़ा पानी पीने के लिए मैंने ब्रेक लिया है। आज क्या हुआ कि मुझे ORS लेना था, तो मुझे रास्ते में कहीं मेडिकल की दुकान नहीं मिली, तो जहाँ मुझे सबसे ज़्यादा नीड थी वहाँ मुझे दुकानें नहीं मिली, इस कारण मुझे नॉर्मल पानी पीना पड़ा। ORS से होता क्या है कि आपको थकान भी कम लगती है, थोड़ा एनर्जेटिक तुम फील करते हो। सो अब इसमें डाल लिया है, प्यास तो लग नहीं रही है बट फिर भी यूज़ कर लेते हैं। सो गाइस, इस व्लॉग को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा, तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।